हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और अब बात करनाल की, जहां पर एक दिन में दो लोगों के सुसाइड करने का मामला सामने आया और इससे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, स्टोडी गांव में एक महिला ने पोल्ट्री फार्म हाउस में फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि महिला मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और उसके पति उसे मोबाइल का सिम मांगा था, लेकिन पति ने सिम लाकर नहीं दिया तो उसने खुदकुशी कर ली। वहीं बिहार के रहने वाले एक युवक ने काचवा गांव में एक पेड़ से लटककर जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक राज मिस्त्री का काम करता था। युवक ने खुदकुशी क्यों की है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ काम करता था पहले, क्या पता क्या लगा, क्या हुआ? ये पता लगा भाई, सवेरे ऐसे कर फांसी ले ली जी उन्होंने, तो हम हॉस्पिटल में आए जी पोस्टमार्टम के लिए। ये कहाँ का आदमी है? ये बिहार का है जी। बिहार का रहने वाला है? क्या काम करता था? ये मजदूरी का काम करता था। तो क्या हुआ? बस फांसी कुछ ले ली तो यहाँ पहुँचे थे पोस्टमार्टम। झगड़ा झुगड़ा कोई पता लगा? कुछ कोई झगड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था जी। ये सीमा के जितने अच्छा। इसने ये कहा कि दो घंटे रुक जाओ, मैं थोड़ा पोल्ट्री फार्म में काम निपटा दूं, उसके बाद मैं सिम जारी करता हूं। अच्छा, तो उसके बाद इन्हें फांसी लगा ली? इसके बाद इन्हें फांसी। तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही? ऐसे तो अच्छी कार्रवाई कर दी। तो ये मुख्य रूप से कहाँ का परिवार रहने वाला था? ये रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट है इसका रीवा, मध्य प्रदेश। अच्छा, कटेरी गाँव। और यहाँ पर क्या काम करते थे? कटेरी गाँव, यहाँ पोल्ट्री फार्म पे सर्वेंट थे। इसका फादर? इस लड़के का हस्बैंड रामपाल।